नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हमले में शहीद हुए विंध्य के लाल देवेंद्र सिंह को विंध्यवासियों ने आखिरी सलाम किया। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर रविवार को उनके गृह ग्राम सीधी जिले के विष्णु नगर लाया गया। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहां शहीद जवान को उनके परिवार जनों के साथ उमड़ी भीड़ ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद को सलामी जवान के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के बाद सोन नदी के गौघाट में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहां शहीद जवान के पुत्र के द्वारा पिता को मुखाग्नि दी गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बोदली में नक्सलाइटों से हुई मुठभेड़ के दौरान देवेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। बता दें कि शहीद जवान के पिता भी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, जिस पर उनके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। बताया गया कि सीधी शहर के विष्णु नगर निवासी देवेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स की 22वीं बटालियन बी कंपनी में कार्यरत थे, जो नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं। शहीद को सलामी देगी।